हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट ने तेजी दिखाई, वैसे ही डॉलर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले हफ्ते सैटरडे को आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस के बारे में एक बड़ी खबर आई है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आने वाले सप्ताह में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो, आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए, इसके पहले 30 जून को जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें बताया था डॉलर जब तक 68 रुपीज के ऊपर है आने वाले समय में और तेजी दिखा सकता है। उसी वीडियो में हमने कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन भी दिए थे, उसमें हमने बताया था एक स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये भी तेजी दिखा सकता है। अभी डॉलर ने भी तेजी दिखाई है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भी तेजी दिखाई है। अब क्या करें? देखिए, अभी के हालात के अनुसार निफ्टी जब तक 11,350 के ऊपर है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड अप है। तो यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड तो अप है, लेकिन हम तो जानते हैं बाजार का वैल्यूएशन फंडामेंटल के हिसाब से बाजार का वैल्यूएशन महंगा हो गया है। तो अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेड विथ टाइट स्टॉप लॉस। कहां पे करें ये शॉर्ट टर्म की खरीदारी? उन्हीं स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म की खरीदारी होनी चाहिए जहां पे शॉर्ट टर्म के चार्ट के अनुसार अब ट्रेंड नजर आ रहा है। चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म के चार्ट के अनुसार अब ट्रेंड दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जब तक 1720 के ऊपर है, वैसे ही ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का रेट 6420 के ऊपर है, दोनों स्टॉक्स अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो यहां पे आप टाइट स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। बीइंग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने खुद ने भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में तेजी का सौदा किया है। तो ये हो गई स्टॉक मार्केट की बात। अब डॉलर की बात करते हैं सर। करेंसी मार्केट में डॉलर ने पिछले हफ्ते 5 साल का रेजिस्टेंस तोड़ते हुए एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो आगे क्या हो सकता है सर? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट के अनुसार 5 साल का रेजिस्टेंस क्रैक करने के बाद यह समझ में आ रहा है जब तक डॉलर का रेट 68 रुपीज के ऊपर है आने वाले समय में, 1.5 साल में, अगले साल के दिसंबर महीने तक डॉलर 76 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक तेजी दिखा सकता है। ठीक सुना सर, डॉलर का रेट 76 रुपीज से 80 रुपीज तक छलांग लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शेयर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। देखिए, डॉलर और शेयर मार्केट अभी एक साथ तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन ये हैंड इन हैंड एक साथ ज्यादा समय नहीं चलते। अभी दोनों तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी चार्ट तो इतना ही बता रहा है, ट्रेड व्हाट यू सी। जब तक निफ्टी 11,350 के ऊपर है वहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके टाइट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, और वैसे ही डॉलर में भी 68 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तेजी का सौदा कर सकते हैं। ये तो हो गई शेयर मार्केट और डॉलर की बात। अब अगली बात आपके सामने रखना चाहूंगा इन्फोसिस के बारे में। अगर आप इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, क्या करें इन्फोसिस में? अभी इन्फोसिस में एक बड़ी न्यूज आई है। इन्फोसिस के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ ने एग्जिट ली है। क्या करें इन्फोसिस में सर? इन्फोसिस का शेयर गिर रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट के अनुसार इन्फोसिस का रेट जब तक 1330 के ऊपर है, 1330 के ऊपर है, वहां पे शॉर्ट टर्म चार्ट के अनुसार अब ट्रेंड बरकरार है। तो भले ही इन्फोसिस के CFO मिस्टर रंगनाथ ने एग्जिट ली है, जब तक शेयर का रेट 1330 के ऊपर है आपको एग्जिट नहीं लेना है। तो इन्फोसिस में क्या करना है ये भी हमने जान लिया। अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, नया स्टॉक खरीदना चाहते हैं, कहां पे खरीदारी करें इसके बारे में कुछ स्टॉक्स इस वीडियो में हमने बताए हैं। लेकिन इतना ध्यान देना, डॉलर तेजी दिखा रहा है और वैसे ही मार्केट का फंडामेंटल वैल्यूएशन महंगा है। तो यहां पे फिर से वही बताना चाहूंगा, इस हफ्ते के लिए ट्रेडिंग मंत्रा हो ट्रेड विथ टाइट स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म एंड बी कॉशियस। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।